आज तक हम बहुत गर्व से कहते थे कि हम किसान परिवार से हैं, हम किसान हैं, लेकिन आज जब पूरे भारत देश में जिस तरह से किसान प्रताड़ित हो रहा है, गोलियां खा रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, ये देखकर मुझे बहुत दर्द के साथ कहना पड़ता है कि हम किसान हैं और हम इंसान भी हैं। 60 से 70% लोग किसान और खेती और खेती के आधारित व्यवसाय हिंदुस्तान में करते हैं। जिस तरह से सरकार का रवैया है सर, उस रवैये को देखकर मुझे तो ये लगता है कि हम सभी किसानों को त्राही भगवान करने का काम इस सरकार ने कर दिया है। आत्महत्याओं के सिर्फ आंकड़ों को देखा जाए, मैं हर बार इसी विषय पे बोलती हूँ और यही मंत्री हमारे सामने रहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ कम नहीं हुआ है। आत्महत्या के आंकड़े तो बढ़ते ही जा रहा है रहे हैं। आत्महत्या के 2014 के आंकड़े अगर देखा जाए तो आंध्र में 632, गुजरात में प्रधानमंत्री जी के गुजरात में 600, कर्नाटका में 768, मध्य प्रदेश में 1198 और सबसे ज़्यादा मेरे स्टेट में महाराष्ट्र में 4004 आत्महत्या 2014 में हो गई। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इसी के आंकड़े बढ़ के 2014 के आंकड़े बढ़ के कम नहीं हुए, 4291 2015 में हुए, 1569 कर्नाटका में, गुजरात में 301, ये बढ़ते ही जा रहे आंकड़े और मुझे नहीं लगता कि आंकड़ों में कुछ कम होने वाला है जब तक सरकार मन पे नहीं लेती है। सर 41% इंक्रीज आत्महत्याओं में इन 2 सालों में हुआ है। सर मैं एक बताना चाहती हूँ कि मेरा स्टेट एक बार ऐसे माना जाता था कि सहकारिता क्षेत्र में एक बहुत ही अग्रणी ऐसे स्टेट है, ऐसा राज्य है, और ये सरकार जो सहकारिता को खत्म करना चाह रही है, जिस महाराष्ट्र में एक बार सहकारिता का माध्यम से पूरे देश में अपना नाम रोशन कर दिया था, उसी हिंदुस्तान को नक्शे पे लाया था, उसी प्रदेश में आज सहकारिता ग्रामीण महाराष्ट्र की जो अर्थवाहिनी का काम करती थी वो खत्म होते जा रही है। चाहे गन्ना कारखाना हो सहकारी, चाहे सहकारी दूध संघ हो, चाहे APMC हो, चाहे सूद गिरनी हो, ये सब महाराष्ट्र में से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और जिसका परिणाम सीधे हमारे राज्य के किसानों के ऊपर हो रहा है, महिलाओं के ऊपर हो रहा है, खेत मजदूरों के ऊपर हो रहा है। सर मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जब नोटबंदी का निर्णय मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारा किसान अकाल से जूझ रहा था, धक्के खा रहा था, उसी किसान को ना बीज मिला ना खत मिला और वही किसान बैंकों की लाइनों में 4-4, 5-5 महीने तक खड़ा रहा, उसको 1,000-2,000 रुपये मिलना भी मुश्किल हो गया था। ये किसानों के हाल था। हमारे भाई यहाँ पे शिवसेना के यहाँ पे बोल रहे थे कि अभी महाराष्ट्र में ऋण मुक्ति हुई है और 34,000 करोड़ रुपए वहाँ के मुख्यमंत्री ने ऋण मुक्ति डिक्लेयर कर दी है। मैं समझाना चाहती हूँ इस सभाग्रह को और सभी आप लोगों को कि किस तरह से संजय जी यहाँ पे ऋण मुक्ति उन्होंने कर दी है, क्योंकि हम किसान हैं, हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। और बहुत ही सिलेक्टिव ऋण मुक्ति उन्होंने की है। पहले उन्होंने बोला 10,000 रुपये एडवांस लेके जाओ, 10,000 रुपये जो भी आएगा खेता किसान जो कर्जा लेना चाहता है, कर्ज मुक्ति चाहता है, उसको 10,000 रुपये हम ऐसे ही दे देंगे बैंक में जाके। आज तक एक भी किसान को 10,000 रुपये की राहत नहीं मिली है, ये मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ। 1.5 लाख रुपए के ऊपर सर उन्होंने बोला कि 1.5 लाख रुपए के ऊपर हम ऋण मुक्ति करेंगे, उसके अब अगर उसके ऊपर किसी का कर्जा होगा तो उस कर्जे के लिए वो किसानों ने पहले पैसे भरना चाहिए और वो पैसे भरने के बाद में हम 1.5 लाख रुपए उनको दे देंगे। ये कैसी मजाक है किसानों की। अगर 1.5 लाख के ऊपर का पैसा उस किसान के हाथ में रहता तो आपके दरवाजे में भीख मांगने के लिए आने की उसको कोई भी आवश्यकता नहीं थी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। सर 30 जून 2016 ये उन्होंने किसान को डेडलाइन दी और बोला कि कर्ज मुक्ति की अगर मिलना चाहते हैं तो 30 जून 2016 के बाद में हम उसको लेंगे नहीं। मैं बताना चाहती हूँ और आपके यहाँ भी होगा और हमारे स्टेट में खासतौर पे नया जुना हिसाब होता है। अगर कोऑपरेटिव बैंक हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, वहाँ अगर हम कर्जा मांगने के लिए जाते हैं तो अगर पुराना कर्जा मार्च में जो होता है उसको नया किया जाता है, उसको नया जुना बोलते हैं, और वो अगर नया हो गया तो इस सरकार ने बोला इस तरह से नया जुना किया तो हमको 1.5 लाख रुपए उनको देंगे नहीं, सिर्फ 25,000 रुपये उनको दे देंगे। ये भी हमारी बहुत ही क्रूर अवहेलना इस माध्यम से उन्होंने की है। अगर परिवार में कोई व्यक्ति नौकरी करता हो दूर दूर से भी तो उसको ऋण मुक्ति नहीं मिलेगी, ये एक नया कानून महाराष्ट्र में बना दिया।
तो हमारे परिवारों में तो एक कोई ना कोई खाना करता है, इसका मतलब पूरा परिवार उसके लिए ऋण मुक्ति नहीं मिलेगा। इस तरह से अगर किया जाएगा तो मुझे लगता है बहुत बड़ी ज्यादगी किसानों के साथ होने वाली है। ऑनलाइन घोषणा पत्र का दो दिन पहले घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी कि अगर आपको कर्ज मुक्ति चाहिए, अगर आपको ऋण मुक्ति चाहिए तो किसानों ने ऑनलाइन घोषणा पत्र देना चाहिए। अगर हमारे किसान इतने पढ़े लिखे और इतने बड़े हुए होते तो आपके पास यहाँ आने की नौबत ही नहीं आती कि ऑनलाइन घोषणा पत्र वो दे जाए। सर, कृषि कर्ज के लिए मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगी और आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ खेती के लिए ऋण मुक्ति क्यों देते हैं? जो जानवर पालते हैं, जो ट्रैक्टर लेते हैं, जो पाइपलाइन करते हैं, जो हॉर्टिकल्चर करते हैं, उनको भी राहत देने की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी ने जो लिस्ट हमारे ट्विटर पे डिक्लेयर कर दी 15 दिन पहले, और जब ट्विटर पे हमने देखा कि कितने लोगों को कर्ज मुक्ति मिली, 36,10,000 लोगों की सूची उन्होंने दी थी। मैं आपको बताना चाहूँगी और सभागृह को बहुत आश्चर्य होगा, उसमें से 813 लोग मुंबई शहर में खेती करने वाले थे। वो मलबार हिल्स में खेती करते हैं, मुंबई शहर के खेती करने वाले 813 लोग उसमें निकले। प्रेस के कटिंग मेरे पास है। सर, इस तरह से कि ये ऋण मुक्ति की है कि किसानों के हाथ बांधे हैं, उनके पैर बांधे हैं, उनके मुंह पे पट्टी भी बांधी है और उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया है, बोले जाओ मरो, कहीं पे जाके मरना है। इस तरह से किसानों के साथ छेड़खानी की गई है। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, सर 72,000 करोड़ से ऋण मुक्ति हमारी गवर्नमेंट ने इस किसानों को कर दी थी। और मैं यहाँ पे खास रूप से बताना चाहती हूँ कि विदर्भा में और मराठवाड़ा में हमारे तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 2 बार गए थे, 2 बार किसानों के हाल पूछने के लिए गए थे। हम इतनी बार मोदी जी से बोल चुके हैं कि आप पूरे विश्व में घूमते हो, पूरे देश विदेश में यात्रा करते हो, कम से कम किसानों को हाल पूछने के लिए एक आध बार तो आइए हमारे स्टेटों में, कर्नाटक में जाइए, विदर्भा में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए। लेकिन वो जाने वाले नहीं है। वो अपनी विदेश यात्रा जब खत्म होगी और जब 2019 में उनकी नैया जब डूबने लगेगी तब उनको किसान याद आएंगे, क्योंकि यही किसान उनको अपनी असली जगह दिखाने वाले हैं। सर, सिर्फ 2 मिनट में मैं मेरी बात खत्म करूंगी। सर, सरकार ने ये भरोसा दिया था कि हम 1.5 पट स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार MRP देंगे, MSP देंगे। 2022 में किसान की आय दुगनी होगी, स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट का अनुकरण करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया अपने मन की बात में, उन्होंने बोला अरहर की दाल लगाओ, अरहर की दाल लगाओ। हमारे महाराष्ट्र के सभी किसानों ने प्रधानमंत्री का शब्द मान के अरहर की दाल लगाई और वो इतनी अरहर की दाल बम्पर क्रॉप आया कि अरहर की दाल रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं रही। और इम्पोर्ट ड्यूटी 0 करके बाकी को म्यांमार वगैरह सब देश है उनसे उन्होंने अरहर की दाल इंपोर्ट कर ली। और जब वो इंपोर्ट कर ली तो हमारे किसानों को वो अपनी दाल घर में ही फेंकनी पड़ी। ये हमारे किसानों की आज के हाल है और ये उन्होंने भरोसा जो हमारा तोड़ा है, ये मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। सर, किसानों की हालत बहुत गंभीर है और अगर किसान जी रहेगा तो ही देश रहेगा, किसान जिंदा रहेगा तो ही देश जिंदा रहेगा। और इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि अलग अलग नाम देकर अब जब मंत्री जी भाषण करेंगे तो अलग अलग योजनाएं बताएंगे, अलग अलग नाम बताएंगे, ये योजना, वो योजना, वो योजना, विवाह योजना, कि जो हमारे समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन ये योजना हमें मत बताइए, हमें सीधा ये बताइए कि हम आपको, आप हमें राहत क्या देने वाले हैं, देने वाले हैं या नहीं। और हमें संपूर्ण कर्ज मुक्ति चाहिए, संपूर्ण कर्ज मुक्ति करने के लिए आप तैयार है कि नहीं? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार बोला था कि जय जवान जय किसान। इस सरकार के हाल में जवान के हाल भी कम गंभीर है, हर रोज मरते जा रहे हैं बॉर्डर पे, और किसान के हाल तो उससे भी गंभीर है। तो इन दोनों को बचाने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगी आपके माध्यम से कि सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। और मैं अपनी बात को यहीं पर पूर्ण विराम दे दूंगी। थैंक यू राजनी पटेल।